नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी जीके में आप सबका स्वागत है। आज डेट है 26 सितंबर 2018। आज के हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बैंक एग्ज़ाम्स के लिए या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पर क्रोएशिया के लुका मेड्रिक ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। फीफा कार्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों पर नज़र रखने के लिए एक समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जेल सुधारों के पहलू को ध्यान पर रखते हुए और उनसे निपटने के उपायों के सुझावों के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ राव की अध्यक्षता में 3 संसदीय समिति की गठित की। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने कहा है कि समिति जेलों में अधिक भीड़ सहित मुद्दों पर विचार करेगी। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक समिति गठित करने के मुद्दे पर अपना आदेश आरक्षित कर दिया था और देश भर में जेलों के लिए सुधारों का सुझाव दिया था। समिति महिला कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी नज़र रखेगी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI दीपक मिश्रा हैं और अगले CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस इंस्पेक्टर वो होंगे रंजन गोगोई। तीसरे नंबर पर नेपाल देश में बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, विश्व वन्य जीव फाउंडेशन WWF T-2 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नेपाल अपनी बाघ आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में बाघों की संख्या को दुगना करना है। राष्ट्रीय संरक्षण दिवस के अवसर पर नेपाल सरकार ने 23 सितंबर 2018 को घोषणा की है कि अब देश में अनुमानित 235 जंगली बाघ हैं। 2019 में यह संख्या 121 के आसपास थी जो अब लगभग दुगनी हो गई है। 2013 में पहले बाघ सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया था कि देश में बाघ की आबादी लगभग 198 हो जाएगी। चौथे नंबर पर दूरसंचार क्षेत्र में FDI में 3 वर्ष में लगभग 5 गुना वृद्धि। जो दूरसंचार क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले 3 सालों में 5 गुना बढ़ चुकी है। दूरसंचार क्षेत्र में FDI पिछले 3 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया है। यह 2015-16 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2017-18 में अब 6.2 अरब डॉलर हो गया है। केंद्रीय संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा के अनुसार राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का मसौदे का उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर या लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश को आकर्षित करना है। पांचवें नंबर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण WAYU इसका फुल फॉर्म है वाइंड ऑक्यूमेंशन प्योरीफाइंग यूनिट इसका उद्घाटन किया है। छः नंबर पर गूगल ने केथ एनराइट को अपने मुख्य गोपनीयता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स जो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ मदद मिली होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहें और आपको हम मदद करते रहें। धन्यवाद।